रावण शिव धनुष क्यों नहीं उठा पाया, कैलाश पर्वत क्यों उठा लिया। जय श्री राम। दोस्तों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है एवं समझने योग्य भी है, जिसे सुनकर के आपके मन में चल रही शंका का समाधान बड़ी आसानी से हो जाएगा। बस हमारी वीडियो के अंत तक बने रहें, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे विनती है और निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा दें। दोस्तों, आइए अब इस ज्ञानवर्धक प्रसंग पर ध्यान देते हैं। भाइयों, अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता रहता है कि जब रावण कैलाश पर्वत उठा सकता है तो शिव का धनुष कैसे नहीं उठा पाया। कहते हैं ये रावण भगवान शिव का कट्टर भक्त था, फिर भी रावण शिव के ही धनुष को क्यों नहीं उठा पाया, और भगवान राम ने कैसे उस धनुष को उठा करके तोड़ दिया। तो आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब इस वीडियो के द्वारा कि ये धनुष कैसा था, क्या इसका रहस्य था। दोस्तों, बचपन में जब देवी सीता ने इस धनुष को उठा लिया था तो ऐसा देख करके राजा जनक ने यह प्रण लिया था कि इस पृथ्वी पर जो भी वीर शिव के धनुष को तोड़ देगा हम उसी के साथ अपनी बेटी सीता का विवाह करेंगे। मित्रों, इधर जब सीता जी का स्वयंवर रचाया गया तो बहुत बहुत दूर के वीर राजा उस स्वयंवर में उपस्थित हुए, जिसमें लंकापति रावण भी गया था। भाइयों, सभी को देख करके राजा जनक ने सबको सूचित किया कि जो भी वीर इस शिव धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। जनक के ऐसे शब्दों को सुनकर के बड़े बड़े वीर राजाओं ने अपना अपना बल पौरुष अजमाया, परंतु कहते हैं उस धनुष को तिल भर भी नहीं हिला पाए। उठाने की बात तो बहुत दूर की थी। दोस्तों, ऐसा उस धनुष में क्या था जो तिल भर भी नहीं हिला पाए। कहते हैं भाई, भगवान शिव का धनुष बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारिक था। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त किया गया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया था। मित्रों, देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज को दे दिया। राजा जनक के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन भगवान राम ने इसे उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और इसे एक झटके में तोड़ दिया। मित्रों, श्री रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, उठो राम भंजौ भव चापा मेटौ तात जनक परतापा। यानी गुरु विश्वामित्र जनक जी को बेहद परेशान और निराश देखकर श्री राम जी से कहते हैं कि हे पुत्र श्री राम, उठो और भवसागर रूपी इस धनुष को तोड़कर जनक की पीड़ा का हरण करो। इस चौपाई में दोस्तों एक शब्द है भव चापा, अर्थात इस धनुष को उठाने के लिए शक्ति की नहीं बल्कि प्रेम और निरंकार की जरूरत थी। ये मायावी और दिव्य धनुष था, उसे उठाने के लिए दैवीय गुणों की जरूरत थी। कोई अहंकारी उसे नहीं उठा सकता था। रावण एक अहंकारी मनुष्य था, वह कैलाश पर्वत तो उठा सकता था लेकिन धनुष नहीं उठा सकता था। दोस्तों, धनुष को तो वह हिला भी नहीं सकता था। वह धनुष के पास एक अहंकारी और शक्तिशाली व्यक्ति का घमंड लेकर गया था। रावण जितनी उस धनुष में शक्ति लगाता वह धनुष और भारी हो जाता था। वहां सभी राजा अपनी शक्ति और अहंकार में हार गए थे। मित्रों, जब प्रभु श्री राम की बारी आई तो वे समझते थे कि यह कोई साधारण धनुष नहीं बल्कि भगवान शिव का धनुष है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने धनुष को प्रणाम किया, फिर उन्होंने धनुष की परिक्रमा लगाई और उसे संपूर्ण सम्मान दिया। प्रभु श्री राम की विनयशीलता और निर्मलता के समक्ष धनुष का भारीपन स्वतः ही त्रोहित हो गया और उन्होंने उस धनुष को प्रेम पूर्वक उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे झुकाते ही धनुष खुद ब खुद टूट गया।
दोस्तों कहते हैं कि जिस प्रकार सीता शिवजी का धनुष कर सहज भाव बिना बल लगाए धनुष उठा लेती थी, उसी प्रकार श्री राम ने भी धनुष को उठाने का प्रयास किया और वो सफल हुए। तो दोस्तों यही कारण था जो भगवान शिव का धनुष लंकापति रावण नहीं उठा पाया। वैसे तो ये लंकापति रावण भगवान शिव का कट्टर भक्त था, लेकिन ये अभिमानी था और घमंडी था। और कहते हैं कि वह धनुष भगवान शिव का तो था, परंतु अभिमानी और घमंडी व्यक्ति उस धनुष को उठा नहीं पाते। तो दोस्तों यही कारण था कि रावण भगवान शिव के धनुष को सीता के स्वयंवर में उठा नहीं पाया, परंतु उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया था। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपके मन में चल रही शंका का समाधान हमारी इस वीडियो के द्वारा हो ही गया होगा। अगर आपको ये वीडियो और ये प्रसंग अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो दोस्तों को भी शेयर कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शकों के लिए जय श्री राम।